नाजम बचश्मे खुद के जमाल तू दीदास, उफ्तम बपाए खुद के बकोयत रसीदास। मकसद ये आ कि मैनू अपनिया अखां ते भी नाज आ कि उन्होंने थानू देखिया वा, और मैनू अपने इस कदमां ते भी बड़ा फखर आ कि थोड़े नाल चले आ। My name is Rafiq Bajwa, very present and beautiful events. I like very much. बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह, बहुत अच्छे इवेंट्स हैं। अच्छा। आई अप्रिशिएट करता हूँ मैं शक्कर साहब को और बाकी सब टीम मेम्बरान को। अच्छा। थैंक यू वेरी मच। इस जेड टी जो है ये रिजॉर्ट है, इसमें मेरा पहला विजिट है। पहले इससे पहले समरीन पार्क में होते रहे हमारे पास, वहाँ मैं जाता रहा। तो ये हमारा एक अच्छा मौका है अपने साथियों से बात करने का, मिलने का, जुलने का। मसरूफ़ इतनी लाइफ होती है कि हम वैसे तो गाये बगाए मिलते नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों को तो मैंने आज देखा 22-23 साल पहले, मसलन ये जफर साहब हैं लाहौर से तशरीफ़ लाए, मैंने पहली दफ़ा इनसे मुलाकात की। तो ऐसे ही है, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा है, यादगार इवेंट। ठीक है, थैंक यू। जमील अहमद जी, आज का दोस्तों का ये जो महफिल है, यादगार महफिल है, ना भूलने वाली। अच्छा। कम ही ज़िंदगी में इस तरह के मौके आते हैं, तो इंजॉय बहुत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई है दोस्तों बाप सारे में, कुछ से मुलाकात रहती, कुछ से आज मुलाकात हुई है, फिर सालों बाद कहीं फिर फंक्शन होगा, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। जलीलुद्दीन भट्ट है, तो मुझे तो बहुत मैं इंजॉय कर रहा हूँ इधर आके, आज काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पहले नहीं मुलाकात हुई थी, उनसे आज मुलाकात हो रही है, लेकिन मैंने तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह इस तरह की जो गैदरिंग है मेरे ख्याल में तो मज़ीद चलती रहनी चाहिए, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शेख खालिद है और हम सभी मिले हैं सेकंड टाइम इंशाल्लाह, तो कोशिश यही है कि आइंदा भी मिलते रहें। इसी तरह एक महीने दो महीने बाद जो है ना ये फंक्शन होता रहे, और इसमें जो पहले ही कावज थे वो मेहरबानी इनकी इजाज़ साहब की, अब ये शक्कर साहब ने ऑर्गेनाइज किया है, मैनेज किया है सारा, इनकी बड़ी मेहरबानी, इनकी वजह से जो हम दोबारा सारे इकट्ठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लियाकत अली बेग। आज तो 4-5 साल पहले ना एक दोस्त की वालदा की डेथ हुई सेमिनार पार्क, उतने कुछ दोस्त 8-10 मिले, तो जेन च ख्याल आया कि यार असी सिर्फ शादियाँ या ना फौदियाँ तो मिलते हैं, क्यों ना एक गैट टूगैदर दोस्तों की। तो वह पहला इवेंट मियाँ जाज साहब के समरीन पार्क च होया, अज तो 1-1.5 साल पहले, और 41 या 42 ईयर बाद कुछ दोस्तों ना मौजूद। बाकी तो नॉर्मली 2-4 मिलते सके, लेकिन 40-45 साल बाद बाकी जो 25-30 लोग जो मिले, बड़ी खुशी हुई। और लाइफ के एक लाटर टाइम जो हों जिस कोई मकसद नहीं होंगे कि दोस्तों ने, सिर्फ वो लालच कोई चीज़ नहीं होंगी, सिर्फ मिलना होंगे, वो चीज़ दोस्तों को बहुत जरूरी हैगी। तो जो भी प्रोग्राम पहले शुरू होंगे ना, उस तो पहले हफ्ता पहले तो हफ्ता बाद, बल्कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो एक खुशी है ना, वो बयान नहीं की जा सकती। शफकत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आजाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के तासम, ये बड़ी अच्छी कोशिश हैगी जनाब शफकत साहब की कि उन्हें पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया, 40 साल बाद सारे दोस्त एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को पहचानते रहे हैं, लेकिन नाम भुले हुए हैं। इस तो पहले एक बहुत अच्छी कोशिश मियाँ आजाद साहब ने की थी समरीन पारा, जिस तरह दोस्तों को इकट्ठा किया, हूँ शफकत साहब ने कोशिश की है। तो मैं समझता सारे दोस्तों बारी बारी ये करना चाहिए ताकि दोस्त एक दूसरे को मिलते रहें और बड़ी खुशी होती दोस्तों ने मिलकर। मोहम्मद सदीक जी, बड़ी खुशी की गल यह है कि दोस्त अहबाब कट्ठे हुए, लेकिन इन्होंने कट्ठिया करने भी लियाकत साहब और प्रोफेसर अरशद साहब और रजा, इन्होंने दिन रात एक कर दिता मैसेज करके, कोशिश करके कि चलो किस तरह हो सके ये गैदरिंग अच्छी खासी हो जाए। और ये असी कहने कि जिदा भाई इजाज़ ने, इजाज़ साहब ने ते शफकत साहब ने कोशिश की है, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बाकी दोस्त भी कितने यहोजी गैदरिंग की कोशिश करे, तो ये सारे दोस्त उत्थे पहुँचने की भी कोशिश करे। बड़ी खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा। मेरा नाम जफर इकबाल है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मेरा तल्लक है। शेख अरशद साहब, डॉक्टर अंजम फारूक साहब और रजा रिया साहब, ये हमारे बचपन के क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं। इनकी वजह से जो हम गेट टूगेदर इकट्ठे हुए हैं, और शफकत साहब बिलखसूस जिन्होंने आज ये मौका फराहम किया, ईद के बाद ये बड़ी ईद है हम सब दोस्तों की, बहुत ज़्यादा हमें खुशी महसूस हो रही है देख के ना 40 साल बाद दोस्तों को, ख़ास तौर पर ये भट्ट साहब, न्याजी साहब, जितने भी दोस्त हैं हमारे, ये सारे चेहरे पहले जानते थे, नाम भूल गए थे, अब वो भी याद आ गए हैं। तो मेरा नाम गुलजार अहमद,
ਸਾਵਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 40-42 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ, ਉਹੀ ਦੋਸਤ, ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ। ਅਗਰ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਸੀ। ਸੋਹੇਬ ਆਮਿਰ, 81 ਕੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਜਵਾਨ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਵਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਜਵਾਨ ਥੇ, ਬੱਚੇ ਥੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੋ ਹਮੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਰਜ਼ਾ ਰਿਆਜ਼, ਇਨਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਯਾ ਅਹਿਲ ਅਲ ਕਬੂਰ, ਜਾਵੇਦ ਮੁਸਲਮ, ਗਰੁੱਪ 81। ਇਹ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਅਲੈਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਅਲੈਦਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਅਲੈਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੰਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਫਰੀਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਨਾ ਮੈਰਨੀਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਫਰਦਨ ਫਰਦਨ ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਜੀ, ਔਰ ਐਡੇ ਜਦੀਦ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ 'ਚ, ਤੇਜ਼ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਸਰੂਫੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੈਸਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਨਾ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਸਾਂ ਮੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰੀਨ ਫੋਰਮ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੋਸਤ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ, ਔਰ ਅੱਜ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਦੋਸਤ ਘਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੋ, ਇਕਦਮ ਜਵਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਰੱਖੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਫਟਾਫਟ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤੋਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਹਮੇਂ ਵੋ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਆਜ ਸੇ 40-42 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਥਾ ਨਾ, ਵਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਅਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਮੇ ਸੇ ਹਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਸ ਮੇਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰੇਂਜ ਕੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਲ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਬਚਪਨ ਕੀ ਯਾਦੇ ਸਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ, ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤੋਂ ਕਾ ਕਿ
इतने अरसे बाद मैं इन सब के साथ मेरी मुलाकात हुई अबाउट 42 years ago के हम 81 से मिले हुए हैं, तो सिवाय शफकत के मेरा नहीं ख्याल कि मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन रहा या रابطہ रहा। तो मुझे आज जितनी खुशी हुई है मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और ये खुशी हर शख्स के नज़दीक हर एक का पैरामीटर अलहदा अलहदा होता है। कोई किसी बच्चे से बात करें ना उसकी खुशी का और अंदाज़ है, किसी बड़े से बात करेंगे उसकी खुशी का अंदाज़ और है। तो आज मुझे अपनी एक भतीजी की एक बात मुझे याद आ गई, उसको छोटे होते हुए उसके फादर उसको लेके गए सैर के लिए, तो उससे पूछा मैंने कि बेटा आज आपको कितना मज़ा आया, तो उसकी खुशी ने उसकी जो उसका एंजॉयमेंट का था उसका पैमाना ये था, उसने कहा कि चाचू मुझे इतना मज़ा आया जितने मीठे चावल होते हैं खाने का मज़ा है। तो मुझे आप लोगों के साथ मिलके आज ऐसे है कि जैसे मैं स्वीट डिश खा रहा हूँ। तो आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का खलूस, और इसका सारा क्रेडिट जाता है एजाज साहब को, शफकत साहब को, आप सबको, कि आप लोगों ने एक दूसरे को याद भी रखा और एक दूसरे को गिरह में बांधने की कोशिश भी की। और इन दी मीन टाइम अभी जावेद साहब बात कर रहे थे और ये बता भी रहे थे जैसे कि सीखने का अमल जारी रहता है, बिल्कुल गोद से लेके गोर तक हमारा सीखने का अमल जारी रहता है ज़िंदगी में भी। जी, मेरा नाम अंजुम फारूक है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई है शफकत साहब ने यहाँ पर मैं इकट्ठा करके जो ना वो सब दोस्तों को आपस में बात करने का, मिलने का, एक दूसरे को देखने का मौका फराहम किया। मिल बैठे हैं दोस्त पुराने बरसों बाद, लौट आए हैं वही ज़माने बरसों बाद। तो मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे हम उसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एक क्लास का एक बेंच है, साथ भट्ट साहब बैठे हुए हैं, एक तरफ शफकत है या कभी कभी सईद बैठ जाता था, तो वही सारा मंजर मेरी आँखों के सामने नज़र आ रहा है। तो ये नहीं पता था कि जो हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं ये बड़े होकर क्या क्या बनेंगे। आज कोई डॉक्टर बन गया है, कोई उस्ताद बन गया है, कोई उस्तादों का उस्ताद बन गया है, कोई बहुत ही उस्ताद बन गया है, डबल शॉट नहीं बने तो कई लोग जो है ना वो बाबे बन गए हैं, तो देख के बड़ी खुशी हो रही है। सर खान न्याजी मेरा नाम है जी, और बहुत खूबसूरत माहौल दिया है जी शफकत साहब ने, माशाल्लाह जन्नत नुमा इन्होंने जो बनाया है अपना सारा सिलसिला, इसमें मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे बकाया दो जो हमारे एक दो दोस्त हैं जैसे सज्जाद खालिद है वो बहुत याद आ रहे हैं, या जैसे शहजादा ज़ुल्फ़िकार हैं वो उनकी कमी बहुत शिद्दत से, आबिद शाह साहब की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। तो बाकी ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब की आमद ने हमें जो है ना आज हमारी ईद कर दी है, हाँ, क्योंकि स्कूल के ज़माने से लेके आज 40-41 साल बाद इनकी हमें ज़्यादा नसीब हुई, बहुत खुशी है। जिन दोस्तों ने ये मैनेज किया, बिलखसूस मियाँ जहाज साहब ने इसको शुरू किया, तो दिल की गहराइयों से मियाँ जहाज साहब को शुक्रिया अदा करते हैं, शफकत साहब को शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत खुशी पहुँची। मेरा नाम फारूक अहमद है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। आज मुझे यहाँ आके यूँ लग रहा है जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं, और ये सारी मेहनत इसमें शेख अरशद साहब और लियाकत साहब की है, और शफकत साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतने अच्छे माहौल में हमें यहाँ इकट्ठा किया और पुराने दोस्तों से मिलने का मौका। वालेकुम सब दोस्तों को, मेरा नाम डॉक्टर नासिर बेग है, मैं चीफ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ सिविल हॉस्पिटल और फैसल हॉस्पिटल में। तो सारे दोस्तों से मिलके बहुत खुशी हुई। तो एक जो कॉमन हमारे माशरे में जो इलनेस है वो डिप्रेशन है, जो कि दुनिया भर में पहले 10 नंबर बीमारियों में से शुमार होती है। तो इसकी जो बहुत सारी वजूहत हैं जिससे ये लोग इस स्टेज पर पहुँच जाते हैं, लेकिन मेरा जो तजर्बात का निचोड़ यही है कि कोई आपके पास ऐसा हमराज या हमदर्द या रहबर होना चाहिए कि जो कि आपके आपको गाइड करे, आपकी मदद करे, आपकी रहनमाई करे, तो आप इन सारे मसाइल से बच सकते हैं। और ये तमाम दोस्तों से जो हमारी मुलाकात है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और ये इसी सिलसिले में बाबा भुले शाह ने फरमाया कि माँ इन्हीं में किनू आखा, यानी कोई ऐसा होना चाहिए जिससे दिल की बात हो जाए तो ये बीमारियों से या ऐसी जो हादसा से बचा जा सके। अर्ज ये है कि मैं तो एजाज साहब बैठे सी ऑफिस जाते, एजाज साहब खबर आई कि घर से नुकसान हो गया, ऐसी मैं कि एजाज साहब कितना नुकसान, कहना कि 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो ही गया। अच्छे इन्होंने मेरी ड्यूटी लाई कि भाजी हूँ करो अप्रोच करो, मैं सीधा चीफ सेक्रेटरी साहब को गया, अप्रोच किया,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਕੋਈ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬਾਤ ਹੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੈਂ ਤੋ ਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੇ ਡਾਲਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਮੈਂ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਕੀ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਪੀਸ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਪ ਕੋ ਇਸ ਏਜ ਮੇ ਓਲਡਰ ਐਡਲਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਚਾਹੀਏ ਮੁਝੇ ਜੋ ਕਿ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਲੇ ਔਰ ਵਹੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਕਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਤਾ ਰਹੇਗਾ ਜੈਸੇ ਆਪ ਬੈਂਕ ਮੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਯੇ ਆਪਕਾ ਲਾਈਫ ਕਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਾ ਹੈ ਯੇ ਆਫਟਰ 60 ਆਪਕੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਲਾਈਫ ਕੋ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖਸੂਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਸਾਥ ਮੇ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਿਸਤੇ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹਮ ਲੋਗ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਂਗੇ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕੇ ਇਸਕੋ ਨਾਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਯੋਗਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਹਮ ਇਸਕੋ ਸਟੈਪ ਐਰੋਬਿਕਸ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਉਸਮੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਬ ਹਮ ਇਸਕੋ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਬੁਨਿਆਦੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਇਸਮੇ ਹਮ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਈਸੋਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਈਸੋਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੇਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੇ ਲੀਏ ਕੌਨ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਜਨਰਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਕੌਨ ਸੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਵੀ ਆਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਮ ਮੈਥਡਸ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਆਪਕੀ ਇੰਟਰਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਆਪਕੀ ਫਾਰਟਲੈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਆਪਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਤੋ ਉਸਮੇ ਆਪਕੇ ਬਾਡੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਆਪਕੀ ਏਜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਲਾਨ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਮੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਕੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਆਪਕਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਆਪਕੇ BMI ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪਲਾਨ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੀ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਜਮ ਫਾਰੂਕ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਵੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਾਣਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝਤੇ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਐਜ਼ ਬੀਂਗ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੇ ਕਭੀ ਵੀ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਤੋ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀਕ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਨੇ ਜੇ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ ਹੈ ਯਕੀਨ ਮਾਨੇ ਇਤਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਉਮਰੇ ਕੀ ਜ਼ਰਤ ਆਫ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇ ਬਰਕਤ ਡਾਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਸਮਝੇ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਾਮ ਚਲਨੇ ਲਗੇ ਰੰਗ ਬਿਖਰਨੇ ਲਗੇ ਜਾਮ ਚਲਨੇ ਲਗੇ ਰੰਗ ਬਿਖਰਨੇ ਲਗੇ ਚਿਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੰਗੇ ਗੁਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਬਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥੀ ਬਾਤ ਉਤਨੀ ਹੋਈ ਆਜ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇ ਵੋ ਬੇਨਕਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੈਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਖੁਦਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤਾਂ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਨਾ ਬਾਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮਤਲਬ ਵਟਸਐਪ ਸਾਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮਤਲਬ ਯੂ ਹੈਵ 3rd generation ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਕਤ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਪਕੋ ਪੈਸਾ ਕੋ ਆਪਕੇ ਫਿਰ ਦਰ ਤੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਫਕੀਰ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਆਪ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਸਕੋ ਬਿਠਾਏ ਯਹਾਂ ਪੇ
उसको खाना खिलाएं, उसके साथ गपशप करें, उसके जो इंटरनल जो है आपकी उसकी फीलिंग जो है ना, उसको प्रॉब्लम उसको शेयर करें, ये वाली चीज़ है। तो इसी तरह हमारे जो फैमिली में, दोस्तों में और जो हमारे ओड्स प्रोस हैं उसको टाइम जो है ना वो देना चाहिए। और शबकर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि हर इंसान में एक बचपन में एक छोटा बच्चा होता है, हर एक हर इंसान एक छोटा ग्रोथ होते होते इंसान बनता है। तो छोटा जो बच्चा है, कुछ लोग जो है ना उसको ख़त्म कर लेते हैं अपने, वो कहते हैं जी मैं कस्टेड ऑफिसर हो गया हूँ 16वें, 17वें, 18वें, 20वें में, तो वो बच्चा जो है ना उसको वो ख़त्म कर देते हैं। वो बच्चा जो है ना वो आपकी खुशी है असल में। चौधरी जुबेर का एक कालम था, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसको सजा देता है ना उससे वो खुशी छीन लेता है, और खुशी जो है छीन के वो कहाँ रखता है पूछता है। वो कहते हैं जी वो जजीरा जो है ना बैरा ओपन उस वहाँ पे, कहते हैं जी इंसान की अप्रोच बहुत दूर तक है, वो जजीरे में भी पहुँच जाएगा, वो खला में पहुँच जाएगा, वो समुंदर की तह में भी पहुँच जाएगा। हाँ टाइटैनिक में। तो अल्लाह ताला जो है ना खुशी, अल्लाह ताला जो खुशी किसी को सजा देता है ना उसी के अंदर ही छुपी होती है, लेकिन वो उसमें इंसान में फील है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी बात है कि इंसान जो है ना, जैसे कुरान पाक में कहा है कि जल्दबाज है, झगड़ालू है, नाशुक्रा है। दो चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मैंने सबक सीखा अपनी वालदा से, सब्र और शुक्र। जो चीज़ आपने अल्लाह ताला ने आपको दे दी है ना उसका शुक्र अदा करें, जो नहीं मिली उसमें हिकमत है उस पर जो है ना वो सब्र करें। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। डॉक्टर साहब ने कहा, इन्होंने स्टार्ट में एक बड़ी खूबसूरत बात की कि ग्रोथ जो है ना वो अंदर से होती है, और भी बातें एक दो की उन्होंने। मियां साहब ने जो बेनकाब आने वाली बात की है, ये भी बड़ी बात कमाल बात थी। बट साहब ने जो है हेल्थ का मशवरा दिया, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जो सेहतमंद होता है वही बंदा बाखुदा होता है। हम बीमार सोसाइटी में रह रहे हैं, हम बीमार हैं, जो कौमें तरक्की नहीं करती वो बीमार होती है। नूर है तो मैशर में तू क्या खाक देखेगा, ऐ चश्मे बिना तुझे देखना नहीं आता। और हिंदी में उस शख्स ने एक ने ऐसे कहा कि जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, जिसको दर्शन इत नहीं उसको इतना उत। यानी कि हम लोग समझते हैं कि शायद अल्लाह का दीदार मैसर में होना है, ऐसा नहीं है। नाजम बचश्मे खुद के जमाल तू दीदास, उफ्तम बपाए खुद के बकोयत रसीदास। मकसद ये आ कि मनु अपनी अखां ते भी नाज आ के उन्होंने थानू देखिया वा, और मनु अपने कदमां ते भी बड़ा फखर आ के थोड़े नाल चले आ। वो गालिब दा भी शेर आ बड़ा कि हाँ वो नहीं खुदा परस जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इशफाक अहमद कहता है कि कम वड्डे नहीं होंगे, कमां की नीयत उन्होंने वड्डा कर दी है। तो यह जी एक कम तो कोई ऐसा बड़ा नहीं है मिल बैठना, लेकिन बहरहाल क्योंकि नीयत एक इखलास दिया, एक आपस में शेयरिंग दिया, तो सानू सारा बड़ा अच्छा लग रहा वा दोस्तों मिल के। तो मैं जिस तरह पहले भी गुजारिश की है कि इंसान अपने बचपन नाल लौट जाता ना, बिल्कुल एक बच्चा हर शख्स के अंदर होंदा, और वह जीना भी चाहिए, उन्होंने मारना नहीं चाहिए। हर वक्त एक मुदब्बर बन के फिलोसफर बन के नहीं जीना चाहिए। जावेद मुस्लिम साहब की तरह दी या थोड़ी तरह की हिस्से जराफत और एक चीज़ आला दर्जे की जहानत। और बहरहाल बड़ी खुशी हुई थोड़े सब की, और मैं अपनी मोहब्बत और अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहा हाँ। जज़ाकअल्लाह। Thank you.